राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023। नमस्कार साथियों, आज से गहलोत सरकार द्वारा खेल प्रतिभाओं को उचित अवसर प्रदान करने हेतु तथा फिट राजस्थान हिट राजस्थान की तर्ज पर हम सब मिलकर प्रदेश के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने वाले इस आयोजन का सीकर जिले के खंडेला में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसान आयोग अध्यक्ष महादेव प्रत्येक ग्राम पंचायत व नगर पालिका स्तर पर हुआ शुभारंभ। प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश की 11,252 ग्राम पंचायतों एवं 538 नगरीय निकायों में 58,51,000 खिलाड़ियों ने पंजीकरण करवाया है। इन खेलों में विजेता खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। उनका कवरेज करने हेतु हमारी टीम दुल्लेपुरा ग्राम पंचायत व नगर पालिका खंडेला पहुंची। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ग्रामीण ओलंपिक खेल का, कि अपनी जो पंचायत स्तर पर या जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं या जो भी है वो उनकी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का, कि हमें इन खेलों के माध्यम से अवसर, जिससे वो अपने देश के लिए ओलंपिक खेलों से लेकर ऐसे लग रहा है कि एक नई संस्कृति का क्या हो रहा है निर्माण। इसमें एक खास बात यह है इन खेलों की, इसमें कोई आयु सीमा नहीं है, इसमें बच्चों से लेके बुजुर्ग तक खेल सकते हैं। अभी अपने खेलों का प्रसार द्वारा उद्घाटन किया जाएगा तो देर में हम महिलाएं भी खेलेंगे, बुजुर्ग खूब रस्सा कस्सी की टीम है, बुजुर्ग महिलाएं खूब उत्साह करना आपको। ये आयोजन 4 स्तरों पर हो रहा है, जैसे पहला स्तर चल रहा है अभी, उसका उद्घाटन है पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर जिला स्तर, फिर राज्य स्तर। इस आयोजन के क्रम में अपने आज गांव में एकत्रित हुए, जिसमें वही खेलों का उद्घाटन कर रहे वो बड़े उत्साह और आनंद के साथ खेलेंगे 10 तारीख तक। और उसका क्या करता ओके, मैं अपने ऐसे अंगों और टिश्यू को जिनका उपयोग मेरी मृत्यु के पश्चात किसी को नया जीवन देने के लिए किया जा सकता है दान करूंगा। हमारे देश में प्रत्यारोपण के लिए अंगों और टिश्यू की कमी को देखते हुए मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपने परिवार, मित्रों और देशवासियों को भी अपने अंग एवं टिश्यू दान करने के लिए प्रेरित करने के सभी प्रयास करूंगा। हाँ मदन जी, सही से और जैसे हो जाएगा आप भी इधर साइड में जाकर के वहां खड़ा हो जाना है। कोई भी कंडीशन में एक